चलिए, आज आप लोग यहाँ पर फेस रीडिंग के बारे में जानने आए हैं। थोड़ा समझते भी होंगे और कुछ समझना भी चाहते हैं आगे, ठीक है? तो इन जनरल आपको क्या एक्सपेक्टेशन है आज की इस वर्कशॉप से? हाँ जी, लोगों को अच्छे से समझ पाए हम, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो हम उसके लिए दूसरा कोर्स है शायद माइंड रीडिंग का, पर वो माइंड नहीं रीड कर सके। कम से कम फेस पे जो एक्सप्रेशन है उससे तो समझ पाए। इसीलिए तो फेसबुक नाम रखा गया है। जो हैंडल है हमारा इंटरनेट का बहुत फेमस है वो फेसबुक है, कि चेहरा देख के आप इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, है ना? तो फेस यही कहता है आपका। सबने तो सुना होगा ना, कहता है इट्स ऑल रिटन इन योर फेस, आपके चेहरे पे सब कुछ दिख रहा है। गुस्सा है तो गुस्सा भी दिखेगा, सैडनेस है तो सैडनेस भी दिखेगी, सब कुछ दिखता है चेहरे पे, राइट? तो चेहरा सब कुछ बता देता है, चेहरा एक आईना होता है। हम जनरली यही बातें करते हैं। वेलकम मैडम, गैलेक्सी MO2S, सॉरी आपका नाम बताएंगे प्लीज? अनम्यूट करके बोले, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे शायद। तो चलिए, इस ये भी एक तरह का साइंस है। मैडम अपना नाम बताएंगी प्लीज? आप अभी ज्वाइन हुए हो गैलेक्सी MO2S। यू आर म्यूटेड, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी बोले हाँ जी मैम, ममता शर्मा। ममता जी। ओके, वो नाम आपका गैलेक्सी ना, पता तो होना चाहिए किसने ज्वाइन किया है। कहाँ हाँ जी मैम, से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ, जलंधर से। से। ओके, दैट्स ग्रेट, वेलकम टू द एकेडमी। फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए। सो होप सो यू एंजॉय दिस। तो मैं इसको बड़े स्क्रीन पर ही लूंगी, सो दैट आप लोगों को सबको मजा आए देखने में भी। ओके, बड़ा दिख रहा है अभी सबको? सब लोग म्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज। सो बेसिकली ये भी एक तरह की साइंस है। चेहरा पढ़ना कोई इजी चीज तो है नहीं, है ना? ये भी एक तरह का साइंस है, और इस साइंस को क्या कहते हैं हम? फिजियोनॉमी, PHYSYOGNOMY। कुछ चीजें हैं, अगर आप लोग नोट करेंगे पेपर पेन पे तो आपको भी मजा आएगा। कभी रेफरेंस के लिए चाहिए तो इजी हैंड होता है हमेशा। आपका चेहरा आपका वास्तु बता देता है, आपका खुद का वास्तु। आपका चेहरा आपकी बीमारियां बता देता है, आपका चेहरा आपके ऑर्गन्स में, किस ऑर्गन में क्या तकलीफ है वो भी बता देता है। चेहरा आपका जो होता है वो आपके सारे जो ऑरा और चक्रास होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी उम्र भी बताता है, तो बहुत कुछ बताता है चेहरा हमारा, ठीक है? ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसको जिसके थ्रू हम फेशियल फीचर्स के थ्रू इंसान को जज करते हैं या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, ठीक है? किस तरह से इसको डिवाइड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा सा समझ, जैसे मैंने कहा ना, चेहरा आपकी उम्र भी बताता है, ठीक है? तो किस तरह से हम उसको देखेंगे और समझेंगे ये भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? कैसे हम इसको समझेंगे? जो हमारा माथा होता है वो 15 से 30 साल की हमारी उम्र बताता है, हमारा यंग, हमारा यूथ। जब हम यंग थे वो एरिया क्लियर करता है कि क्या है उसके अंदर और क्या था। फिर उसके बाद हमारी जो मिडिल एज है वो हमारी आईब्रोज, आईज और नोज बताती है, चीक्स और ईयर्स, ठीक है? तो आईब्रो हमारी क्या बताएगी? 31 to 34 years की एज। आईज हमारी 35 to 40 years old है, मतलब उसका एक अंदाजा उससे होता है।
Can you hold on for a second, please? Okay, so sorry for this interruption. मुझे थोड़ा बेल बजा था तो दरवाजा खोलने जाना पड़ा. I'm so sorry for this. Okay. अब आपकी जो ओल्ड एज है वो आपकी चिन बताती है, ठीक है, आफ्टर 50 इयर्स. सो सॉरी, नोज रह गई. नोज आपकी 41 टू 50 इयर्स बताती है, और फिर चिन आपकी बताती है आपकी एज 50 इयर्स. जब हम इसको डीप स्टडी करते हैं फेस को, तब ये सब चीजें का हम एस्पेक्ट लेते हैं. बट एक जनरल में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यूथ, मिडिल एज और ओल्डर एज, ये सब इस तरह से हमारा आता है. इसमें एक चीज और है, जो आपका यूथ है, ये जो ऊपर का फोर हेड है, जैसे हमने इसको तीन पार्ट में मैंने एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसी तरह से ये हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी, वो और भी तरीके से होती है, जैसे मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पर. तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे कोर्स में अकॉर्डिंगली बताती जाऊं, ठीक है. अब देखिए, ओके, सो हमारा फोरहेड क्या क्या हमें बताता है अभी. तो यहां तक तो ये ठीक है कि चलो ये चीज हमको ऐसे पता चली कि हमारी एज वाइज हो गया. हमारा फोरहेड क्या रिलेट करता है, क्या बताएगा? तो हमारा फोरहेड जो है वो हमें करियर के बारे में, हमारी फेम के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है, ठीक है. अगर टॉप कॉर्नर है, ये जो दो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये वाले, जैसे आप यहाँ पर जो ऑरेंज कलर देख रहे हो, ऑरेंज कलर के बाद का जो एरिया है वो आपका ट्रैवलिंग बताता है, आपका मूवमेंट बताता है. तो जब हम फेस रीड करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि माथे के सल ऐसे करो और वो रीड कर लेते हैं कि लाइनें रीड कर रहे हैं, चेहरा देख के कुछ बता देते हैं कि भैया आप घर से दूर रहे होंगे या नहीं रहे होंगे. ये सब चीजें कहाँ से देखते हैं, अब आपको ये पता चलेगा, ठीक है. फिर आईब्रोज, अब हम थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर आते हैं. फोरहेड के बाद आईब्रोज आती हैं. तो आईब्रोज हमें क्या बताती हैं? हमारे सिबलिंग्स, मतलब छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, उनके बारे में बताती हैं, हमारे फ्रेंड्स के बारे में बताती हैं, हमारे असेट्स कितने हैं, हमारी उम्र किस तरह से रही है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ या पूरी किस तरह से है, उसकी डिटेलिंग बताते हैं. फिर उसके बाद जो हमारी आईज है वो आपकी हेल्थ, एनर्जी और स्पिरिट बता. कहते हैं ना, जब हम सैड होते हैं तो हमारी आंखें ऐसी थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाती हैं. जब हम बहुत स्पिरिटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो आंखें बड़ी और खुली होती हैं, हैप्पी आईज होती हैं. तो हर तरह का जो इमोशन है वो आईज में भी स्टोर होता है. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो मिडिल पार्ट है, सॉरी, ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा मेंटल देखता है, मिडिल का जो पार्ट है, जैसे एज वाइज मैंने बताया ना आपको, उसी तरह से जो मिडिल पार्ट है हमारा, आईब्रो, आईज, नोज, ये हमारे इमोशंस को भी देखता है, ओके. ये वाला जो पार्ट है, ईयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है. जो एकदम आंखों के नीचे ये जो पार्ट होता है, ये हमारे बच्चों को देखता है, चिल्ड्रन, किड्स, ठीक है. मतलब हमारे नहीं, आपका खुद का बचपन वो बताता है. ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों को के आंखें देखने लगे जाके, आपके बारे में है ये, आपका खुद का चेहरा है, ठीक है. तो ये पार्ट जो है आंखों के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, जिसको हम ये ऊपर होता है ना, ऐसे प्रेस करो तो हड्डी लगती है हाथ में, ये आपको आपके बचपन और आपके बचपन और बच्चे कैसे थे, आप क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल्स देता है. अब जो हमारा आईब्रोज होती है, ये आईब्रोज होती है ना, वो इन जनरल एक आंख के एक लाइन में होती है. अगर एक्सटेंडेड आईब्रोज हैं, ठीक है, तो वो हमारी मैरिज और रोमांस, लक, उन सब चीजों के बारे में बताती है. ये जो पार्ट है, ये दोनों आंखों के बीच का जो एरिया होता है, ये आपको बताता है आपकी लाइफ किस तरह से है, कि उसकी लाइफ की आपकी प्लेसमेंट्स, मतलब कि किस तरह से आपकी जिंदगी रहेगी, ये वो बताती है. जो नोज है वो आपकी हेल्थ और वेल्थ बताती है. नोज के नीचे का जो एरिया होता है ना, ये वाला,
ये जो हम मुस्टैच का एरिया बोलते हैं, ये आपका सेल्फ कंट्रोल और स्टेबिलिटी बताता है। आपकी जो लिप्स हैं वो आपकी विल पावर को दिखाते हैं। आपकी जो चिन्ह है वो आपके फ्रेंड्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, लक है आपके ओल्डर एज में जितना आपका लक है और कितना सपोर्ट आपको मिलता है वो शो करते हैं। अब आती है कानों की बारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कान क्या है, आपके अर्ली चाइल्डहुड और आपका जो एंसेस्टर्स से जो आपको लक मिल रहा है, ठीक है, जो डीएनए में आ रहा है, जो लक एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है आपको, वो सब आपके कान बता। इंटरेस्टिंग, चेहरा हमें कितना कुछ बता देता है।